फिजियोलॉजी का एक बहुत ही आसान और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 जो कि रिलैक्सेशन वाला चैप्टर है। इस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले रिलैक्सेशन की डेफिनेशन इस चैप्टर में हम लोग को मिलती है, तो वो कहता है कि मसल्स जिनके अंदर टेंशन कम है, जिनके अंदर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कम है, उन मसल्स को आप कह रहे होते हैं दीज मसल्स आर रिलैक्स्ड मसल। डेफिनेशन में वो लिखता है द मसल्स विच आर रिलेटिवली फ्री फ्रॉम टेंशन। अब यहाँ पर जो वर्ड रिलेटिवली है ना, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। रिलेटिवली उसने क्यों कहा, अब हम ये अगले टॉपिक पे देखते हैं। सबसे पहले आता है कि मसल टोन क्या होती है। मसल टोन हमें पता है कि हमारे मसल्स चाहे जितने भी रिलैक्स हो जाए, उनके अंदर जितनी भी कम टेंशन हो जाए, उनके अंदर टेंशन कम हो सकती है, टेंशन ख़त्म नहीं हो सकती। मसल्स के अंदर हमेशा कोई ना कोई टेंशन जो है वो प्रेजेंट रहती ही है, उसको आप कह रहे होते हैं दिस इज़ द मसल टोन। यही इसीलिए इसने यहाँ पर लिखा हुआ है द मसल्स विच आर रिलेटिवली फ्री फ्रॉम टेंशन। उसने ये नहीं कहा कि टेंशन ख़त्म हो गई है, उसने ये नहीं कहा कि फ्री फ्रॉम टेंशन, उसने ये कहा कि रिलेटिवली फ्री फ्रॉम टेंशन, कि उसके अंदर टेंशन जो है वो कम है। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद आता है मसल टोन, मैंने आपको बता दिया कि क्या है। अब एक मसल टोन क्यों एक मसल के अंदर मेंटेन की जाती है, तो हमारे पास एक सर्किट होता है जिसे हम कहते हैं मसल स्पिंडल सर्किट। ये स्पिंडल सर्किट हम लोगों ने मोटर यूनिट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा है, हम उसके बारे में नहीं डिटेल में देखेंगे। आप भी याद रखना है कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं स्मॉल इंट्राफ्यूजल फाइबर्स और दूसरे होते हैं लार्ज एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स। स्मॉल इंट्राफ्यूजल फाइबर्स और लार्ज एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स। अब जो स्मॉल इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं ना, इन तक देखें, जब भी सिग्नल आ रहा होता है ना CNS से, पहले वो आता है स्मॉल इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के पास, ठीक है, और उसके बाद वो सिग्नल स्मॉल जाता है किसके ऊपर, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स के पास। अब स्मॉल इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के पास सिग्नल आया, और ये मसल्स ऐसे मसल्स हैं, ये वो फाइबर्स ऐसे फाइबर्स हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रहना है। क्यों? क्योंकि मसल स्पिंडल सर्किट इनको सिग्नल भेजता ही रहता, भेजता रहता, तो ये मसल क्या करेंगे, हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे। जबकि हमारे लार्ज एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स तब ही वर्क करेंगे जब हम लोगों को कोई भी वॉलंटरी मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करानी होगी, तब ही जो है ये वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। स्मॉल इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स, लार्ज एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स, इनके बारे में आपने जो है वो याद रखना है। अब हमारे पास आती है पोस्टल टोन। अब आपने याद रखना है कि हमारी बॉडी, आपको पता है कि 24/7 बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही होती है जिसका नाम होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारी बॉडी के ऊपर कंटिन्यूसली एक्ट कर रही होती है। अब हमने कोई एक पोस्चर मेंटेन करना है, बेशक आप लाइंग पोजीशन में है, बेशक आप सिटिंग में है, स्टैंडिंग में है, किसी भी पोजीशन में है, आपकी बॉडी पे ग्रेविटी कंटिन्यूसली एक्ट कर रही है और आपके मसल्स को कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा उस ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस करने के लिए। अगर आपके मसल काउंटर बैलेंस नहीं कर रहे तो आप कोई भी पोजीशन मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास मसल्स के अंदर एक टोन होती है जिसको हम कहते हैं पोस्टल टोन होती है, जो कि हेल्प आउट कर रही होती है एक पोस्चर को मेंटेन करने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब हमारे पास वो मसल्स कौन से होते हैं जिनके अंदर ये टोन प्रेजेंट होती है, तो आप याद रखें उन मसल्स को हम नाम देते हैं एंटी ग्रेविटी मसल्स, ठीक है। ये वो मसल्स होते हैं जो कि ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गई कि पोस्टल टोन क्या होती है। पोस्टल टोन में आप किस तरह से टोन डेवलप होती है, एक स्टिमुलस आया, सेंसरी न्यूरॉन डेवलप हुआ, CNS के पास गया, CNS ने जो है वो एक मोटर न्यूरॉन दिया और एक मोटर यूनिट जनरेट किया जो कि आगे जाके किसी भी मसल फाइबर्स को जो है वो क्या कर रहा होता है, इनोवेट कर रहा होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने बार हाँ पढ़ा हुआ। अब जब इसके पास जाता है तो ये क्या करता है, मसल को हेल्प आउट करता है ताकि वो जो है वो काउंटर बैलेंस कर सके उस फोर्स को जो कि ग्रेविटी किसके ऊपर एक्ट कर रही है और एक पोजीशन को मेंटेन कर सके। अब ग्रेविटी के जो एक फोर्स है वो आपने याद रखने हैं, ड्यूरिंग योर अपराइट पोजीशन सबसे ज़्यादा बॉडी पे एक्ट कर रही होती है, सबसे ज़्यादा अपराइट पोजीशन में जो है वो पोस्टल टोन आपके मसल्स के अंदर होती है। उसके बाद रिकम्बेंट पोजीशन, यानी आपकी कोई रेस्टिंग पोजीशन है या आप लाइंग पोजीशन में, कुछ भी इस तरह की पोजीशन है, तो इसके अंदर जो है वो पोस्टल टोन जो है वो रिलेटिवली कम होती है, ख़त्म नहीं होती, रिलेटिवली कम होती है, ठीक है। उसके बाद आती है वॉलंटरी मूवमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर वॉलंटरी मूवमेंट की हेडिंग देने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वॉलंटरी मूवमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, बुक के अंदर भी ना इसी तरह से लिखा हुआ है। उसने कहा है कि वॉलंटरी मूवमेंट में कराते वक्त किस तरह से आप रिलैक्सेशन को प्रमोट कर सके, क्योंकि ये चैप्टर रिलैक्सेशन को डेडिकेटेड है। तो आपने याद रखना है कि वॉलंटरी मूवमेंट को कराते वक्त एक फिनोमिनन होता है जिसे हम रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन कहते हैं, जो कि हमने बारहा पढ़ा हुआ है कि ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मूवमेंट एक मसल का ग्रुप जो है वो रिलैक्स करता है और दूसरे मसल का ग्रुप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम लोग को यहाँ पर बायसेप्स और ट्राइसेप्स की मिल रही होती है कि ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन बायसेप वर्क कर रहा होता है, ट्राइसेप जो है वो क्या कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट हम क्या करते हैं, अगर रिलैक्सेशन चाहते हैं तो एक मसल जो है वो वर्क कर रहा होता है, दूसरा जो है वो रिलैक्स कर रहा होता है। उसके अलावा बुक में एक बहुत अजीब सी एक बात लिखी है जो कि एक नॉर्मल बंदे के लिए बिल्कुल अंडरस्टूड से बात है, वो ये है कि मसल की जब एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, यानी मैं एल्बो फ्लेक्शन करा रही हूँ और एल्बो फ्लेक्शन कंप्लीट हो गई है, ऑब्वियसली उसके बाद वो मसल रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ बुक के अंदर उसने एक स्पेशल एक लाइन बनाकर लिखी हुई है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जी, और उसको वो एक्सप्लेन करता है एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन के थ्रू, वो कहता है एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल्स टेंड टू बी फॉलोड बाय द इनहिबिशन ऑफ डैट एक्टिविटी।
आपने हार्मोनल सिस्टम पढ़ा होगा, एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ी होगी, ठीक है। तो आप देखते हैं कि अगर एक हार्मोन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो फौरन ही उसके इनहिबिटरी हार्मोन आ जाते हैं उसकी रिलीज को इनहिबिट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन भी है कि जब आपका एक मसल फुली कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जैसे ही वो एक्टिविटी खत्म हो जाती है, जैसे ही उसकी ज़रूरत खत्म हो जाती है, तो मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है, उस मसल की एक्टिविटी क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक सा ओवरव्यू था इस चैप्टर का जो कि हम लोगों ने शुरू में देखा है।